हेलो सर, मॉर्निंग शो का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो यार अभी अपन निकल रहे हैं शॉपिंग करने, और शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग अपने लिए कर रहे हैं एक तरह से। मतलब हम लोग जब आजकल क्या बैडमिंटन वगैरह ज़्यादा खेलने लगे, और कल क्या सीन हुआ था, हम लोग की जो शटल कॉक्स है ना वही ख़त्म हो गई थी। क्या था, मैंने लास्ट टाइम लिया था, मैं आपको डब्बा दिखाऊंगा, वो शटल कॉक प्लास्टिक वाली थी सारी, मतलब ख़राब हो रही थोड़ा बहुत खेल खेल के। तभी मैं बोला यार ये तो ख़राब है, फालतू शटल कॉक्स थी। तभी अपन अभी जा रहे हैं शटल कॉक लेने, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको स्पोर्ट्स शॉप की पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्या क्या नया सामान आया, क्या क्रिकेट बैट कलेक्शन आई। लास्ट टाइम गए थे तो लास्ट टाइम मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाया था, बट वो अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं, अराउंड 5 बज गए हैं और शाम का सीन है, ज़्यादा धूप तो है नहीं, चलो निकलते हैं बाहर। और भाई यहाँ पे एक देखो नया ही ठेका खुला है, काफ़ी भीड़ रहती है। अभी तो अराउंड 5 बज रहे हैं, अभी जैसे ये 7-8 बजेंगे ना, या तो भीड़ ही भीड़ हो जाएगी। आपको शाम को दिखाऊंगा। A few moments later. भाई अपन आ गए स्पोर्ट्स शॉप में, वही लास्ट वाली शॉप, काफ़ी बढ़िया इन्हें अपनी शॉप बना ली। देखो ये मैंने कुछ शटल कॉक्स लिए हैं, ये 25 की है, ये 35, ये 50 की है, एंड ये भी कुछ डब्बे वाली हैं। ये थोड़ी महंगे में, मतलब अच्छी क्वालिटी में, जिनको प्रोफेशनल खेलना है, योनेक्स वगैरह की है, 600-700-800-900-1000 तक की है ये। और ये भी है कुछ, ये अराउंड 250 की है शायद, कितने पीस है, 3 पीसेस का है, 250 का है, काफ़ी बढ़िया भाई। एंड ये सब बैडमिंटन के कुछ रैकेट्स हैं। रैकेट तो मैंने ऑलरेडी मेरे पापा ले आए थे 2-3 रैकेट्स, तो अभी मैं आपको घर में जाके दिखाऊंगा। तो ये देख लो कुछ रैकेट के यहाँ आर्टिकल्स पड़े हैं, काफ़ी बढ़िया है। ये कुछ बैट की रेंज है, मेरे को तो ये SG का पसंद आया, लेकिन ये काफ़ी मतलब मेरे बजट के बाहर है, अराउंड 7000 रुपये का। तो देखते हैं अपन कब प्लान बनाता हूँ, C8 का भी है, SG, SS, Adidas, देखते हैं अपन कब प्लान बनाते हैं। और ये कुछ क्रिकेट किट्स है, अराउंड 8000 रुपये की हैं, ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। ये देखो और कुछ ये बैट्स हैं, ये शायद टेनिस वाले बैट्स हैं, ये लेदर के बैट है, कश्मीर विलो, इंग्लिश विलो, है ना। और ये देखो ये बॉल्स की वैरायटी है यार, मेरे पास काफ़ी सारी मतलब ये वाली लेदर बॉल्स थी, अभी पता नहीं कहाँ पर। सही है यार, तो यार ये देख लो, अभी तो अपन खेलते नहीं है, तभी ये सब क्या करेंगे लेके। तो यार मैंने शटल कॉक्स ले लिए, अराउंड 100 रुपये की 4 पड़ी, तो काफ़ी मतलब महंगी हो गई। पहले तो मैं लेता था अराउंड 7 रुपये की एक आती थी, मम्मी बता रही थी वो 2-2 रुपये की भी शटल कॉक्स लिए लो में। तो चलो निकलते घर, अब आपको डायरेक्ट घर जाके मिलते, शायद अपने का एक मंदिर जाने का सीन है, तो भी आपको दिखाते। A few moments later. तो यार अपन मार्केट से आ गए थे शॉपिंग वगैरह करके, ये मैंने कुछ शटल कॉक्स लिया, एंड काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, मतलब महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। अपन ने गन्ने के रस वाले से भी थोड़ा बात किए थे, तो वो बताया था भाई महंगाई बढ़ गई है काफ़ी, 7 रुपये का एक नींबू मिल रहा है, सोचो आप लोग। तो ये मैंने अराउंड 4 शटल कॉक्स ली 100 रुपीज़ की, चलो ठीक है इससे अपन खेलेंगे। क्या बॉक्स? नहीं बॉक्स बहुत महंगा था, वो अराउंड 600-700 का था। ये देखो ये री दीदी, हाय। तो इसके अभी एग्जाम चल रहे हैं, तभी ये ज्यादा वीडियो में आ नहीं रही है। अभी दीदी बोली थी कि मेरे को वीडियो में मत लेना, क्योंकि अभी जस्ट मुंह धो के आई, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं ना, आप समझ लो, ठीक है। तो 4 शटल कॉक्स लिए, इसको अभी अपन खेल के टेस्ट भी करेंगे। बाकी यार और फॉर सम रीजन मैं भी जैसे अपना ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, तो 2% पे बहुत देर से अटका हुआ है, पता नहीं शायद यूट्यूब डाउन है या कुछ इशू चल रहा है, आई डोंट नो क्या सीन है। मैं 3-4 बार ट्राई किया हूँ, नेटवर्क स्पीड बिल्कुल सही आ रही है, बट ये शायद कुछ यूट्यूब का ही इशू चल रहा है, पता नहीं यार क्या सीन है। मैं इसको बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, 1% अभी 2% हो गया है भाई, पता नहीं कब अपलोड होगा। लेट्स सी, अपन भी जाते हैं खेलने के लिए। बाकी खेलने का व्लॉग आपको इसी के पहले मिल गया होगा, आप देख चुके होंगे। और अगर ये आज भी नहीं आया वीडियो, तो यार अपन इसको कल अपलोड करेंगे, और आज हो गई है 16 मई, अराउंड 6:30 हो गए, ठीक है। तो आप समझ लो व्लॉग्स क्यों लेट आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहा है। और मेरा अभी तक लैपटॉप ठीक हुआ नहीं है, लैपटॉप शायद वो ट्यूसडे को ही देंगे भैया, मेरी अभी बात हुई नहीं है, मैं उनसे एक बार कन्फर्म कर लूँगा, शायद ट्यूसडे को ही मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है, ठीक है। चलो अभी अपन जाते हैं खेलने के लिए, और कुछ अपडेट होगा मैं आपको देता हूँ। सो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे, और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यार ये है मेरे बैडमिंटन। तो मैंने वीडियो इसलिए नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दिन दिखाना आपको भूल गया था। तो भाई ये देखो, ये मैं मेरे पास 2 बैड रैकेट्स हैं, रैकेट बोलो या बैडमिंटन बोलो, यहाँ तो हम लोग बैडमिंटन बोलते हैं, बट बोलना रैकेट चाहिए। आप लोग कमेंट कर बताना क्या बोलते हैं। तो यार ये देखो ये कुछ इस टाइप के हैं, मतलब ये इतना मतलब ब्रांडेड नहीं है, ये पापा ले आए थे यार, ये वाला तो शायद यूज्ड है, ये वाला देखो कुछ ऐसा है,
ऐसे मेरे पास दो हैं, दो सेट लिए थे वापस, शायद 300 रुपीज़ के लिए थे सेट, होलसेल से लिए थे वो। मैं आपको एक दिन होलसेल वाली, अगर आप शॉप चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, होलसेल की भी शॉप की वीडियो अपन बनाएंगे। और एक ये वाला, ये तो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, तो देखो काफ़ी ज़्यादा घिस गया वाला बैडमिंटन, ठीक है। ये वाला मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ और ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है, अगर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो बैडमिंटन है और ये मेरे को बहुत दिन से मिल नहीं रहा था, गाड़ी के डिक्की में रखा हुआ था। मतलब अपन कभी कभार बाहर भी खेलने जाते हैं तो वहाँ का भी अपन ब्लॉग बहुत जल्द बनाएंगे, और यही पार्क है, यहीं पर अपन बैडमिंटन खेलते हैं रोज़, ठीक है। और ये वाला एकदम न्यू है। तो यार ये मेरे पर दो रैकेट्स अराउंड 300 रुपीज़ के दो हैं, तो अगर आपको ऐसे रैकेट्स ख़रीदना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब काफ़ी सस्ते रैकेट्स यार अमेज़ॉन पे मिल रहे हैं, वहाँ से मैंने बहुत साल पहले मंगाए थे, काफ़ी अच्छे रिलायबल हो जाते हैं और वैसे रिटर्न वगैरह भी हो जाती है अमेज़ॉन पे, तो आप मंगा सकते हो 300, 400, 500, 600 तक के अच्छे रैकेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये दो बैडमिंटन थे और अब अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अपन इसके बाद गए हैं एक मंदिर, तो वो वाली वीडियो एंजॉय करो। तो भाई अभी अराउंड बज गए हैं शाम के 7 और अभी अपन आए हैं पशुपतिनाथ मंदिर घूमने, ये देखो। तो शाम को मन किया कि चलो दर्शन करके आते हैं, तो अपन आ गए, चलो आपको दिखाते हैं। अपन हाथ पैर धो लेते हैं और काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो ये पानी वाला बाहर होता था और अभी इसको अंदर कर दिया शायद, पता नहीं क्यों। टंकी देखो, भगवान जी हैं ऊपर, आपको पीछे से दिखाएंगे अच्छे से। तो भाई ये जो मैं आपको टंकी बोल रहा था, देखो आधे शिव जी हैं आधे पार्वती जी हैं, काफ़ी बढ़िया टंकी बनाई है। और देखो ये है मंदिर, अभी अपन अंदर चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। और बहुत सालों बाद अपन आए यार, काफ़ी मतलब साल हो गए अपन दर्शन किए नहीं यहाँ के, तो चलो चलते हैं अंदर। कितना सुंदर मंदिर है यार, तो यार आप सब भी दर्शन कर लो भगवान जी के, काफ़ी सुंदर मंदिर है यार। अभी अपन ऊपर भी जाएंगे, पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर आप लोग से आराम से मिलता हूँ। दर्शन हो गए हैं मस्त एकदम, आज इतनी ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो हमेशा रश बहुत ज़्यादा होता है मंदिर में, काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी है यहाँ पे। देखो अभी दीदी कर रही दर्शन वगैरह, अभी अपन ऊपर जाएंगे। यहाँ हम लोग ने नारियल फोड़ा भी जस्ट, मैंने मेरा हाथ एकदम से हिल गया भाई, गंदा वाला हाथ, मतलब एक बार में तो टूट गया, बाकी जो होता है ना फिर से पूरा शेल तोड़ना पड़ता है। और ये कुछ ऐसा मंदिर है, आप आ सकते हैं, चिल विल करते हो, सतना में तो काफ़ी फेमस है ये मंदिर। दिन में होता है, आपको पीछे का व्यू दिखाते, एकदम पीछे पूरा खाली एरिया है और ये गार्डन एरिया है, पेड़ वेड़ लगे हैं। तो यार चलो चलते ऊपर, यहाँ से ऊपर जाने का सीढ़ी लगी आगे अपन ऊपर। तो ऊपर का कुछ ऐसा सीन है यार, वहाँ हाईवे वहाँ साइड, एंड यहाँ पे शायद घर वर बने, आई डोंट नो, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। यहाँ बहुत अपन साल हो गए ना नहीं आए यहाँ पे। तो आज का चांद देखो अभी जस्ट निकल रहा है, मैं फुल जूम करके आपको दिखा रहा कि कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि आपको पता नहीं ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है। वाह, तो यार अपन अभी बैठे नंदी जी के पास और अभी मैंने आपको चांद दिखाया, कितना सुंदर है यार, मैं जूम करके दिखाया तब तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देखो मस्त व्यू है। तो यार मून काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये नंदी भगवान जी एंड वो रहा मून यार, एकदम मतलब सन जैसा लग रहा है, मतलब कलर, आज बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए। वाह, मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं जो मैं इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूँ, तभी मैं बोलता हूँ यार आप लोग को, आप इंस्टाग्राम पर मेरे को ज़रूर फॉलो कर लिया करो, वहाँ ऐसे मैं रेगुलर छोटे छोटे अपडेट्स दे देता हूँ, क्योंकि यार इसमें पॉसिबल नहीं होता ना फोटोज़ वगैरह डालने का, इसलिए। चलो निकलते हैं अभी अपन डायरेक्ट घर के लिए, काफ़ी बड़े दर्शन हुए। सो यार यहाँ से देखो लॉर्ड शिव हम लोग को देख रहे हैं, आप लोग को भी देख रहे, दर्शन कर लो आप लोग। ये था ऐसा कुछ मंदिर,
वो मैं टंकी की बात कर रहा था, वो देखो कितनी बड़ी, दिन में तो और अच्छी लगती होगी। चलो निकलते हैं अपन अब। तो दोस्तों अब आप लोग बताना आप लोग को आज का ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और यार अभी मैंने जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा मतलब शूट किया, ये देखो ऐसे पत्थर, ये ट्राइपॉड लगा लिया था, जो आपको बीच में क्लिप दिखी होगी ना बैडमिंटन की, मैं शूट करना भूल गया था। और ये नेक्स्ट डे, और अभी सुबह के अराउंड बज रहे हैं 5:30 या 6 दिन चढ़ गए। और मैं इतनी जल्दी क्यों उठा भाई, मैं सोया ही नहीं, रात भर मैं एडिट वगैरह कर रहा था, कुछ काम वगैरह कर रहा था। और एक नई वेब सीरीज़ आई है, आप लोग तो जानते होंगे, तो वो वाली वेब सीरीज़ मैं देखना चालू कर दिया। तो यार वेब सीरीज़ देखते ना तो 2-3 एपिसोड दिन का मैं देख ही लेता हूँ। तभी यार मैं सोया ही नहीं, तो मैं बोला कि चलो अपन काम निपटा लेते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं और आप लोग को यार वीडियो दिखा देता हूँ जल्दी से। और एक गुड न्यूज़ भी मैं बहुत जल्द देने वाला हूँ, वो मैं शायद आपको जून के मंथ में दे दूंगा। समर वेकेशंस भी आ रही हैं, वो सब वीडियोज़ काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।